वेलकम बैक टू यू तेजा। तेजा क्या है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी इतने सारे प्यार के लिए। और आप जानते हैं आई लव डूइंग थिंग्स टू माई फेस एंड शेयरिंग वट एवर आई डू टू कीप अप विद माई स्किन एंड एवरीथिंग। आज के ब्लॉग में मैं आपको 10 स्टेप्स ऑफ फेशियल मसाज बताने वाली हूँ जो मैं करती हूँ एवरी नाइट सोने से पहले। एंड ये सारे स्टेप्स एंटी एजिंग होंगे। दे आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट रिंकल्स एंड दे आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट डार्क सर्कल्स। तो देखते हैं आपके ये स्टेप्स क्या होने वाले हैं। चलिए फेशियल मसाज के लिए सबसे पहले आपको आपका फेस वॉश करना है और उसे पैड ड्राई करना है। तो बेसिकली क्लीन है, पोर्स भी अच्छे खासे ओपन एंड क्लीन है। और उसके लिए आपको लगेगी एक फेशियल ऑयल, आप एक फेशियल सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। आईज़ के एरिया के मसाज के लिए आप कोई आई क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ऐसी कोई क्रीम जो आपके हाथ और स्किन को मॉइस्चराइज रखे व्हेन वी आर मसाजिंग इट। और मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वासु का फेशियल ब्यूटी ऑयल। और मैं इसलिए यूज करने वाली हूँ क्योंकि ये 100% नेचुरल है। इट नरिशेज योर स्किन, प्रोटेक्ट्स योर स्किन और आपके इट हेल्प्स फाइट एंटी एजिंग। अगर आपको कोई प्रीमेच्योर रिंकल्स है, एज स्पॉट्स है, ब्लेमिशेस है, उसके साथ भी फाइट करेगा। और सबसे अच्छी बात इसमें बहुत सारे, इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ यू नो ऑल द नेचुरल ऑयल्स। नेचुरल ऑयल्स जैसे हुए एवोकाडो ऑयल, लैवेंडर ऑयल, कुमकुम आदि तैलम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सब सारे अच्छे अच्छे ऑयल्स हैं इसमें। और इट्स 100% नेचुरल, इट्स मेड इन इंडिया और बोथ मैन एंड वीमेन सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं ये ऑयल यूज़ करूँगी अपने फेशियल मसाज के लिए। Let's get started. तो इस ऑयल के आपको सिर्फ 3 या 5 ड्रॉप्स लेने हैं अगर आप इसे अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ। बट अगर आप इसे इसके साथ मसाज कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है दैट यू हैव योर फेस लुब्रिकेटेड। सो हमारे जो भी मसाज के आज मूवमेंट्स होने वाले हैं वो बहुत ईजिली हो। तो ये मैं पहले अपनी स्किन पे अप्लाई करूँगी बहुत अच्छे से, अच्छी क्वांटिटी में अप्लाई करूँगी क्योंकि हमारे यहाँ स्टेप्स भी बहुत सारे हैं। और ये जो ऑयल है इसमें आर्गन ऑयल भी है और ये ऑयल बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है और अपनी स्किन को नरिश करता है। सो इवन इफ़ यू टेक अ लॉट इट इज़ गोइंग टू बी अब्सॉर्ब्ड इन योर स्किन वेरी इजीली। और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या फिर कोई भी आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं है, पर फिर भी इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है। और या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप, एक तो मैं सारा ऑयल अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। एप्लीकेशन के बाद सबसे पहले मैं ये नकल्स, हमारे जो हाथ के है ये नकल्स है, उस पर थोड़ी सी क्रीम लगाऊंगी, ऑयल लगाऊंगी। और फिर आप जैसे कि देख सकते हैं ये नकल्स को हमें फोरहेड पे ऐसे करना है। ऑनेस्टली इसके लिए 2 हाथों की ज़रूरत नहीं, 1 हाथ से भी कर सकते हो। सो यू जस्ट हैव टू गो लाइक दिस, अपवर्ड मूवमेंट करनी है। ये मैं 10 टाइम्स करने वाली हूँ। ये 10 टाइम्स होने के बाद आती है बारी हमारे स्टेप नंबर 2 की। अब स्टेप नंबर 2 में हम लेंगे हमारी ये जो पॉइंटर फिंगर्स है उसके नकल्स यूज़ करेंगे हमारे नोज़ के लिए। अब फोरहेड का हमने थोड़ा बहुत कर लिया है, अब हम करेंगे ये नकल्स के साथ अपवर्ड मूवमेंट करना है। ये भी 10 टाइम्स करना है। ये 10 टाइम्स होने के बाद स्टेप नंबर 3 जिसमें हम करेंगे ये ओके. और जब हम ये करेंगे हम हमारी चीक्स को ऊपर पुल करेंगे और उसे 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे और ये हम करेंगे 10 टाइम्स। अब है हमारी 4th स्टेप जिसमें हम यूज करेंगे ये 2 फिंगर्स और हमारी जॉ लाइन से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, उसे वी शेप में करके
ऊपर की तरफ जाएंगे और ये भी हम करेंगे 10 times। ये थी हमारी 4th step। अब है हमारी 5th step, जिसके लिए हम लेंगे रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर और उसे हम करेंगे ऐसे। ये बेसिकली हमारी जॉ लाइन का मसाज हो गया, नोज का, फोरहेड का हो गया। अभी ये माउथ एरिया का हम करेंगे मसाज। तो ये थे हमारे 5 steps और ये मसाज आपको रात को करना है और ये मसाज है हमारे एंटी एजिंग के लिए। अब नेक्स्ट मसाज, जो नेक्स्ट स्टेप्स है, वो हमें हेल्प करेंगे हमारे डार्क सर्कल्स के साथ। तो अगर आपको डार्क सर्कल्स है, क्योंकि मैं मसाज करती हूँ तो मुझे डार्क सर्कल्स है नहीं, बट अगर आपको डार्क सर्कल्स है तो आपको पहले लेना है आपका रिंग फिंगर और आपको ये सर्कुलर मोशन करना है और ये सर्कुलर मोशन आपको करना है पूरे 15 सेकेंड्स के लिए। तो ये हमारी 6th step है। 6th step में हमें इस फिंगर के साथ राउंड करना है हमारी आंखों के यहाँ पे फॉर आर डार्क सर्कल्स। जैसे ही 15 सेकेंड खत्म हो जाते हैं, आपको हमारे फोरहेड पे जाना है और ये हमारी होगी 7th step और यहाँ पे ये करना है, जिससे आप आपके फोरहेड की फोरहेड को भी मसाज कर रहे हो और आपके आईब्रो बोन को भी अच्छा शेप दे रहे हो। तो ये वाला स्टेप भी आपको करना है पूरे 15 सेकेंड के लिए। तो ये होने के बाद 8th step है। ये होते ही, इसके 15 सेकेंड्स होते ही हमें हमारे आंखों के ये 4 points को प्रेस करना है, 2, 3 और 4। मैं फिर से दिखाऊंगी, 1, 2, 3 and 4। अब हर पॉइंट को प्रेस करते समय आपको 10 सेकेंड्स के लिए उसे रखना है, 1, 2 और ये आपको 5 बार करना है हर पॉइंट पे 10 सेकेंड्स वेट करके। इतना फास्ट नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। तो ये जो लास्ट के 3 steps थे, ये आपको हेल्प करेंगे टू फाइट योर डार्क सर्कल्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप, लेट्स मूव ऑन टू द 9th step। 9th step में हम लेंगे हमारे नकल्स, ये दोनों नकल्स, और ये जो आखिर के स्टेप्स है वो हमें फाइट कराएंगे हमारे पफिनेस से। इसे 10 बार करना है। आते हैं हमारे 10th step पे, जिसमें हम यूज करेंगे ये दोनों थंब और उसे रखेंगे हमारे चिन पे और हमारा ये जो बाकी के हाथ है उससे हम देंगे शेप हमारी चीक्स को ऐसे। हमारी 10th step होने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं आपको और एक स्टेप सिखाई देती हूँ, इट्स लाइक अ बोनस। तो और एक स्टेप है 11th step, जिसमें आप आपके दोनों थंब ले सकते हैं और आपके नेक को यहाँ से पुल करके यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं फॉर 5 seconds। तो इसे हम करेंगे 10 times, हर बार यहाँ पर 5 seconds का काउंट करके वेट करके। सो आई थिंक ये हमारे फेशियल मसाज के अच्छे खासे स्टेप्स आज मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। वासु फेशियल ब्यूटी ऑयल 100% नेचुरल है, ये क्लिनिकली प्रूवन और टेस्टेड है और ये क्रुएल्टी फ्री है और आपके अगर पिगमेंटेशंस हो तो उसे भी क्लियर करता है। Amazon और vasustore.com पे अवेलेबल है, सो प्लीज गो एंड शॉप। इफ यू लाइक माय ब्लॉग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। ओके, बाय।